दोस्तों आज हमारी खास मुलाकात है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से। हजारों लाखों को ट्रेन कर चुके अब तक, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा में डिबेट करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। फुटपाथ से लेकर शोरूम तक कमाने का रास्ता बताने वाले, गूगल से लेकर विकिपीडिया तक है जिसका नाम, गरीबों और अमीरों की जान, हैदराबाद की शान, दुनिया भर में जिसका है नाम वो है मिस्टर रमेश अली खान। दोस्तों ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करे बिना हम मिलते हैं रमेश भाई से डायरेक्टली और करते हैं उनसे कुछ सवाल। ये फ्रेंचाइजीज और होलसेल क्या है? सलीम भाई बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं फ्रेंचाइज और होलसेल है क्या। मैं क्लियर कट बता दूं, फ्रेंचाइज के अंदर में आपको ब्रांड नेम मिलता है, आपको इजी एक्सप्रेस का साथ मिलता है, इजी एक्सप्रेस होलसेल 99 स्टोर का साथ मिलता है आपको फ्रेंचाइजी के अंदर में। और फ्रेंचाइजी के अंदर में हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको दूसरा फ्रेंचाइज नहीं मिलेगा, लेकिन आप होलसेलिंग कर सकते हो वहाँ पर। इसके अंदर में क्या होता है सलीम भाई, होलसेलिंग में आपको जो रेट फ्रेंचाइज में मिलता है वही रेट आपको होलसेलिंग में भी मिलेगा, लेकिन आप क्या अपने एरिया के हिसाब से स्पेस लेकर आप ओपन कर सकते हो। और हमारे पास जो बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं फ्रेंचाइज के अंदर में, वही चीज इसके अंदर में मिलेगी। खाली फर्क इतना है कि फ्रेंचाइज में आपको ब्रांडिंग मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, और होलसेल के अंदर में आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, आपको अपने खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और कंडीशंस पूरे वही है जो फ्रेंचाइज के अंदर में, वही होलसेल के अंदर में। रिटर्न, एक्सचेंज, मार्जिन, थोड़ी सी डिटेल्स बताइए ताकि हमारी बिल्कुल आवाम को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मार्केटिंग के बारे में आपने पूछा, एक्सचेंज के बारे में पूछा, रिटर्न के बारे में पूछा, मार्जिन के बारे में पूछा, बिल्कुल ये आपने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ही पूछ दिया इसके अंदर में। मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ। फ्रेंचाइज के अंदर में या मार्केटिंग के अंदर में सब में आपको मार्केटिंग हर जगह मिलेगी, ठीक है ना। मार्केटिंग में आपको क्या सहूलत मिलेगी, आप किधर भी स्टोर खोलो आपको हमारे तरफ से सपोर्ट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, जो जो चीजें फ्रेंचाइज में मिलती है वो मिलेगी, खाली आपको इजी एक्सप्रेस नेम नहीं मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या, इजी एक्सप्रेस के अंदर में आप जो फ्रेंचाइज दे रहे हो दोनों का जो है पॉलिसी सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि नाम का। आप इसमें पॉलिसी सेम क्या, जिसकी एक्सचेंज आप हमारे पास से मान लो कि ये आइटम लिए, ये आइटम आपका नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग कारोबार में इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। वी आर द कस्टमर फ्रेंडली शॉप है हमारा, ठीक है। आपका कोई आइटम नहीं चला आप ला लीजिए हमारे पास, आप ये नहीं चल रहा हमारे को इसकी जगह दूसरा आइटम दे दो हम आपको दे देंगे। बिल्कुल ये फ्रेंचाइज वालों को भी है होलसेल वालों को भी है, कि सोचते हैं कि फ्रेंचाइज वालों को मिल रहा हमें नहीं मिल रहा, एक्सचेंज हो जाएगा। आप सोच रहे हो फर्ज करो आपका यूएसए का वीजा लग गया या आप इंटरनेशनल जा रहे हैं, आपको कोई और बिजनेस अच्छा दिखा, ये बिजनेस में वर्कआउट करना नहीं चाह रहे, आप बोल रहे कि आई वांट टू क्लोज माय शॉप, वाइंड अप मींस वाइंड अप, तो आपको हम 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने के बाद आप कभी भी वाइंड अप करो शॉप, आपका पूरा का पूरा माल ले लेंगे हम आपसे, और आपको 20 से 25 दिन में आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। इससे आपको क्या है 100% सिक्योर रहेगा कि आपका आइटम नहीं भी चल रहा है, बिजनेस नहीं भी चल रहा है, अगर आप बंद भी करना चाह रहे हो, सो यू हैव द चांस कि आप पूरा का पूरा माल हमें रिटर्न दे दो, और रिटर्न भी हम वही रेट पे लेते हैं जो रेट पे देते हैं। ऐसा नहीं कि माल कम, आज रेट कम हो गया तो आज नए रेट से लेंगे, जो रेट से दिए थे वो रेट से हम वापस आपसे। ओवरऑल इट्स मीन देयर इज नो लॉस इन दिस बिजनेस। बिल्कुल, हमारा जो बिजनेस कारोबार करने का तरीका ये है कि भी हम कस्टमर को जो है ऐसे ऑफर्स देते हैं, ऐसे चीजें देते हैं जिससे कस्टमर खुल के करिए। लॉकडाउन से जो हम लोग बाहर निकले हैं भाई अभी, इसके अंदर में बहुत सारे मतलब पैसा लोग खर्च करने से पहले डरते थे, हम यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं हर चीज की, आपको एक्सचेंज कीजिए, रिटर्न कीजिए, मार्केटिंग हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर में, सपोर्टिंग दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आप कुछ अमाउंट है लमसम अगर आप इतने की परचेसिंग करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपको फ्री मिल जाएगा उसके अंदर में जी। तो इस तरीके से कारवा चलता है। रमेश भाई मेरा एक और एक सवाल था, ये ऑनलाइन और ये ऑफलाइन इसके बीच का डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, ऑनलाइन बहुत सारे लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के डेट में, इवन आप फेसबुक की बात करें, ओलेक्स की बात करें, ये पूरे ऑनलाइन नेटवर्क है। ऑफलाइन जैसे कि रोड शोज हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, ये सब चीजों पे, इस पे ऑफलाइन है। तो हमारे पास से मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अस, हमसे प्रोडक्ट लेके जाते हैं ऑनलाइन में बेचने के लिए। अब वो हमसे माल लेते हैं, उसके तरीका क्या, उसकी भी अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए जिसके आपने पूछा था ड्रॉप शिपिंग के बारे में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में, तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो हाँ, तो ये क्या है, आपको ये प्रोडक्ट आप लेके गए अमेजोन में, लिस्टिंग किया, आपको हमारे से मिला मान लीजिए 100 रुपए का एक एग्जांपल मान लीजिए, और ऑनलाइन में यही प्रोडक्ट आपको 400 में बिक रहा है, तो इसमें क्या है आपको आपको जीएसटी ऐड करना है, आपको अपना प्रॉफिट ऐड करना है, आपको कुरियर चार्जेस ऐड करना है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कमीशन देना है, वो दे के आपको 450 में बेचना है, और आपके चंद प्रॉफिट इसमें मिलेंगे। तो ये चीजों के लिए आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट,
तो पब्लिक क्या करती है, मार्केट में जाती है, प्रोडक्ट ढूंढती है और उसको एक्सचेंज रिटर्न की फैसिलिटी भी नहीं मिलती। हमारे पास एक्सचेंज रिटर्न की फैसिलिटी भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, रेट भी सस्ता मिलेगा ये गारंटी के साथ। तो आप क्या है, खाली अपना दुकान आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, साथ ही साथ ऑनलाइन भी बेच सकते हो। अब रहा ऑफलाइन, बहुत सारे लोग अपने कार है, कार के अंदर में लेके आके बेच लेते हैं, बहुत सारे पार्क में, बहुत सारे शॉप पे, ये ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में भी उनके पास दिक्कत यह आ जाती है कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ा छोटा होता है लेकिन क्या डूबने के चांसेस रहते हैं। अब ये कारोबार में क्या है, आप कोई भी एक सेगमेंट ले लो, कॉस्मेटिक ले लो, फ्लावर्स ले लो, क्लॉथिंग ले लो, लेके जाके आप कहीं भी बेचो, बीच जो भी करा है उसके पैसे कमाओ, मुनाफा आपका, जो नहीं भी कराया है वो लाके मुझे दो खत्म कर, एक्सचेंज कर लो। तो ये ऑफलाइन है, तो ये दोनों सहूलतें अवेलेबल है। आपका और सवाल था ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होता क्या है, जब आपको ऑर्डर आता है तभी आप प्रोडक्ट लेते हो। तो उसके लिए हमारा एक पोर्टल रहेगा, उसके अंदर में आप देख सकते हो कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज फेसबुक के मार्केट प्लेस में जाके बेची या ओएलएक्स पे बेचा, कि मान लीजिए एक ईयरफोन बेचा मैंने 300 रुपए में, तो अभी मैं ईयरफोन अगर जेब में लेकर रख लेता हूँ तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया बोले तो जाहिर सी बात है कि अब पैसा आपका ब्लॉक हो गया है। लेकिन आपको अगर ऑर्डर आ जाए कि भाई मेरे को ये ईयरफोन चाहिए, 300 रुपए आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे, 50-60 रुपए डालोगे, आके मेरे से माल लोगे, उसके बाद उसको डिलीवरी कर दोगे, तो आपको सीधा सीधी पैसे बच जाएंगे। यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो मेरे पास जितना भी आइटम आप देख रहे हो सबके अंदर में आपको ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको आप आइटम को लिस्ट करो फेसबुक पे, ओएलएक्स पे, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत सारी जगह पे, आपको जब ऑर्डर आएगा आके तब मान लो, तब आपको डिलीवरी कर दो, इस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। रमेश भाई मेरा ये सवाल है, ये बिजनेस है क्या और इसको इन्वेस्टमेंट करना कितना है? बहुत अच्छा सवाल है सलीम भाई, ये भी आपका, बहुत सारे लोगों के दिमाग में खटपटा चलता है कि इसके लिए लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। भाई कुछ नहीं, आपको मैंने जैसा बताया ड्रॉप शिपिंग, कोई बिना इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेस कर सकते हो। आप 500 रुपए लेके आओ, ईयरफोन्स खरीद के लेके जाओ, एक 10,000 ईयरफोन मिल जाएंगे आपको 500 रुपए के अंदर में, 50 रुपए के रेट में, ठीक है। आप लेके आके उसको 100-100 रुपए में बेचो, बहुत सारे लोग थिएटर के बाहर में बेचते हैं, गार्डन्स के बाहर में बेचते हैं, बंडी लगा के बेचते हैं, तो सके आप मेरे पास 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, हमारे लिए कोई इन्वेस्टर बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और एक चीज हमारा है हिसाब किताब, हम सबको बराबरी की नजर से देखते हैं और सबके लिए हमारे पास वही इज्जत है। आप आइए, आप सामान लेके जाइए, रिटर्न एक्सचेंज की फैसिलिटी रहेगी, आपको रेट सबसे कम रहेगा, इसकी गारंटी रहेगी आपको हमारे पास से। आपको बस ये करना है हिम्मत की कारोबार के लिए आपको आगे बढ़ना है, बाकी ढकेलने का काम हमारा है। एक स्टार्ट लेना जरूरी है, एक स्टार्ट लेना जरूरी है। याद डायलॉग याद है ना, एक स्टार्ट का मैंने इससे पहले बताया था। आपके लिए भी बहुत ही जबरदस्त ये वाक्या, ये कहानी है, इसको आप दिल पे लीजिए। आप करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हो, ना करना चाहे तो हर चीज मुश्किल है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको बनाना है दिमाग, सेटअप करना है। हम आपको सिर्फ धक्का देने वाले हैं, धक्का क्यों दे रहे हैं वो सुनिएगा। इसके अंदर में होता क्या, एक राजा होता है, वो अनाउंसमेंट करता है कि ये मेरा स्विमिंग पूल है जो इस पार से उस पार चले जाए, उसको मैं एक बंगलो दे दूंगा, एक कार दे दूंगा, उसको मैं करोड़ों रुपए दे दूंगा, और भी उसके यहाँ का मंत्री बना दूंगा, ये सब कर दूंगा, इनाम दूंगा। तो अब क्या होता है, दुनिया भर के स्विमर्स, सबसे बड़े बड़े माइकल फेल्प्स ये वो जितने भी, सब पूरे आ जाते हैं यहाँ के अंदर में। अब बोलते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, राजा बेवकूफ है, ये तो कर देगा। अब राजा देखता है कि सला ये तो आज मेरा चले जाएगा, आज तो बहुत सारे लोग इनाम लेके चले जाएंगे, ये वाला ये बड़ा आसान टास्क है। तो उसका जो वजीर रहता है वो बोलता है कि इसके अंदर में हम भूखे मगरमच्छ डाल देते हैं। तो है स्विमिंग पूल छोटा, उसके अंदर में 40-50 भूखे मगरमच्छ। अब भूखे मगरमच्छ बोले तो कुछ भी ऐसा गोल डालते कि कैच कर लेते हैं। अब उसमें इस पार से उस पार जाना है बहुत मुश्किल है, नामुश्किल है, मुश्किल ही नामुश्किल है यहाँ पे। तो अब पूरे लोग, अच्छा जाहिर सी बात है इतना बड़ा इवेंट है, मीडिया, राजा अनाउंस करा, मीडिया तो रहना ही चाहिए, मीडिया वाले भी दुनिया के आगे बैठे हुए खड़े हुए, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा होगा, कैसे करेंगे कैसा करेंगे, देखेंगे बोल के बैठे हुए पूरे के पूरे। अब सुबह से लेकर शाम हो जा रही, कोई जाने वाला नहीं है यहाँ पे, सब लोग बोले राजा जो है वो चालू है, बुलाने का तो बुला लिया, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि इसके अंदर में भूखे मगरमच्छ है, ठीक है ना। अगर वो मालूम रहा तो लोग आते भी रहते, ठीक है ना। अब लेकिन लोगों को ये पता था कुछ तो कंडीशन होंगी, ऐसी थोड़ी दे देंगे राजा है बिल्कुल थोड़ी है, तो हाँ बिल्कुल। तो अब देखते हैं सब मीडिया वाले वो सब टाइम खत्म पे शो का, सब लोग वापस जाने वाले रहते हैं। उतनी देर में एक पतला सा दुबला सा सुखा सा लड़का ऐसा तिरता तंदा तिर के इस पार से उस पार चले जाता। अब पूरे मीडिया वाले कैसा रहते हैं मामला, सर अब क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, ये आपको करोड़ों रुपए मिल गए, आपको कार मिल गया, आपको बंगला मिल गया, मंत्री बन गए, ये हो गया वो हो गया, बोलते पूछते आपके पास इतने गट्स कहाँ से आए, ये पूरा सवाल जवाब होगा सिलसिला शुरू। आप उनको सब बोले
अब वो बोलता है ये सब साइड में रखो, पहले वो तो धक्का मुझे किसने मारा क्या बात धक्का किसने मारा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लाइफ में एक धक्के की जरूरत है, जब वो धक्का मिलेगा तो सक्सेस मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे मरने करने के लिए कुछ नहीं दे रहा, यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, चीजें रखे हुए, सिर्फ आपको हिम्मत करनी है। यहाँ पर आपको इतने हिम्मत के पैसे मिलने वाले, आप जो हिम्मत करोगे उससे आप पैसे कमाने वाले। और अपने को दुनिया में जो आए हैं, देखो अल्लाह ताला का वादा है, दूध चाय पानी बटर जो हमारा खाना पीना है ना वो मिल जाएगा। लाइफ को लग्जरियस करना है तो मेहनत करना है, वो तो अपनी करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आइए जुड़िए यहाँ पर, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी चीजें बताऊंगा आपको। आप कारोबार को बढ़ाइए, पैसे कमाइए और देश की उन्नति में साथ। ये थी आज की खास मुलाकात रमेश अली खान साहब से। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके जवाब जरूर देंगे।